वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सिंपल आपको क्रॉप पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आपको फुल साइज़ में और सेंटर में एडजस्ट करने के बाद इक्वल यहाँ से कर देना है। अब देख सकते हैं हमारा फ़ोटो छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, इसे आपको वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आ जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा है बैकग्राउंड का उसे ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन को हमें रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और इसे सिर्फ आपको इनेबल कर देना। इसके बाद कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब हमारा वीडियो जब आप प्ले करके देखेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। यदि इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने साउंड ऐड कर चुका हूँ, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल आपको उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।